हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रीतिनाथ गुरु और आज हम एक और फीमेल से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़। इसमें 10 में से एक फीमेल जो है इस डिजीज़ से इफेक्टेड है। इस डिजीज़ में बेसिकली स्मॉल सिस्ट जो होते हैं वो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल हार्मोनल बिहेवियर देखने में आता है। साथ ही ये प्रॉब्लम जो है डायबिटीज़ को, एक्ने प्रॉब्लम्स को और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को लीड करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन और एक एडिक्वेट एक्सरसाइज। इसमें 30-60 मिनट्स की एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। और डाइटरी मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को लेना चाहिए, और क्योंकि ये डिजीज़ जो है डायबिटीज़ को लीड कर सकती है तो इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन जूसेस को अवॉइड करना चाहिए। इस डिज़ीज़ में ऐसे हमें फूड प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिनकी कि GI यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम पाया जाता है। जैसे कि हमें जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं जिनमें पटेटो है, राइस है, हमें होल ग्रेन फूड जो है वो लेने चाहिए। रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए, आटा प्रेफर करना चाहिए, मैदा और सूजी को अवॉइड करना चाहिए। इसी तरीके से ब्रेड की अगर हम बात करें तो हमें होल व्हीट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड लेनी चाहिए और वाइट ब्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ये सब चीज़ें करने के साथ साथ इसमें समटाइम्स विटामिन एंड जो मिनरल्स के सप्लीमेंट्स हैं वो भी हमें डॉक्टर से लेने चाहिए। आई होप कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जो है अपने इस डिज़ीज़ से ओवरकम कर पाएंगे, और जो इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो कि इनफर्टिलिटी की है वो उसको लीड कर सकती है, तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।